बिहार से बंगाल तक हिंसा और तनातनी के बीच कई इलाकों में शांति तो दिख रही है, लेकिन सियासत अशांत है। हुगली में फिर से स्टेशन पर पथराव किया गया, रेल ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया, एक दिन पहले बीजेपी का काफिला यहां रोक दिया गया था और आज फिर से नेता धरने पर बैठने वाले हैं। हावड़ा में शांति लौट रही है, बिहार चले तो सासाराम से लेकर बिहार शरीफ में छिटपुट घटनाओं के बीच अब शांति दिख रही है। हिंसा रुकने में नाकाम सरकार और पुलिस अब केस दर्ज करने और गिरफ्तारी करने में लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनवमी में शुरू हुई हिंसा अब रुक रुक कर भड़क रही है। हुगली में रिसरा में बीती रात फिर उपद्रव हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा बल ने उपद्रवियों की झड़प हुई तो रेलवे स्टेशन के भीतर भी नारेबाजी के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। इस उपद्रव की वजह से हावड़ा बुंदेल रूट पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें जहां तक खड़ी हैं, सैकड़ों मुसाफिर परेशान हैं। स्टेशन के अंदर और बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बम मारा गया मस्जिद से, पत्थर फेंके गए मस्जिद से और मुस्लिम मोहल्ला से। भाजपा कैसे प्लान करेगी? भाजपा प्लान करती तो भाजपा के पास पत्थर होता ना, बम भाजपा के पास होता। भाजपा ने तो बम नहीं मारा, दिखाई दे रहा है कौन पत्थर मार रहा है। और पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पत्थर मार रही है, ये भी वीडियो है। मुसलमानों को क्यों मार रही थी पुलिस? क्योंकि पुलिस भी खुद आक्रांत हुई ना। बाद में क्या हुआ, पुलिस के पास फोन आया कहां से, तृणमूल के नेताओं का फोन आया तो भाग गई उधर से। हम हर जगह जाने की कोशिश करेंगे, जहां तक हम जा पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जहां पे आक्रांत वो आक्रांत हुए और जिन जो इंजर्ड है उनसे मिलने की कोशिश कर। हम तो डिमांड कर चुके ऑलरेडी, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली एनआईए से होना चाहिए। दे आर कॉम्पिटिटिंग विद ईच अदर एंड आफ्टर गोइंग टू दिल्ली दे आर सेइंग दैट आई हैव डन बेटर ओनली टू डिस्टर्ब द बंगाल। दे आर ट्राइंग टू डैमेज द यूनिटी द पीस and Sukanta Majumdar is the captain of that party. They are trying to divert the whole issue and now they are trying to polarize the situation in the name of religion. So Shubhendu Adhikari and the leaders of BJP, they are not talking about the policies of public interest. They are only trying to create disturbances in the normal life only to divert the main issues. अनुपम मिश्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हुगली में वो इस वक्त मौजूद हैं। अनुपम, सबसे पहले हालात पश्चिम बंगाल के क्या हैं? क्योंकि सियासत को इतर रखा जाए तो कई जगहों से क्या अभी भी छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं? देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं हुगली में हूँ। हुगली में कल रात लगभग 10 बजे के आसपास रिसरा स्टेशन के आसपास जो बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, उसकी वजह से लगभग 3 घंटे तक लोकल और दूरगामी ट्रेनें बंद रही थी। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन रात 1 बजे के बाद से उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। ट्रेन सेवाएं अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अभी आपको जीटी रोड दिखा रहा हूँ, जो मुख्य सड़क है हुगली की, ग्रैंड ट्रंक रोड। यहाँ पर कल तक जो स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर स्थिति दिख रही है। जो ट्रैफिक है बेहद नॉर्मल दिख रहा है। पुलिस की टीमें इधर उधर गश्त जरूर लगा रही हैं, लेकिन जो जिंदगी कम से कम 2 दिन तक एक तरह से ठप सी हो गई थी, वो अब यहाँ पर पटरी पर लौट आई है। जो ई रिक्शा की सर्विस होती है वो भी शुरू हो गई है, बसेस जो हैं वो भी चल रही हैं और लोग भी यहाँ पर आ जा रहे हैं। जबकि कल इसी जगह पर ये रास्ता लगभग 5 घंटे तक बंद था, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यहीं पर धरने पर बैठे हुए थे और पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रखी हुई थी। लेकिन जब उनके वो वहाँ से उठ गए तो उसके बाद इस सड़क को फिर से चालू किया गया और आज फिर यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है अभी तक बिल्कुल बेहद सामान्य दिख रही है, शांति बहाल होती दिख रही है यहाँ पर। हालांकि आज भी बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार यहाँ पर धरने पर बैठने वाले हैं, तो उसके बाद क्या स्थिति होती है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।